हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं सूचना का अधिकार, इसका इतिहास जानेंगे और अभी जो संशोधन हुआ है इस बिल आया इसे भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसका इतिहास देख लेते हैं। तो इसकी बात करें तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले सूचना के अधिकार स्वीडन में लागू किया गया था। यह स्वीडन में प्रेस एक्ट 1767 के रूप में आया था। भारत की बात करें तो भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश काल में 1889 में स्वतंत्रता के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे आगे चलकर शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के सरकार की सूचना जनता के सामने मांगे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगली बात करें, भारत में जो सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 22 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को आज भी बरकरार रखा गया है इसे, ठीक है, अर्थात इसे निरस्त नहीं हुआ है, बल्कि आरटीआई एक्ट 2005 में आने से यह अप्रासंगिक हो गया है। अब यहाँ बात करें तो 1946 में आम संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने सूचना के अधिकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर प्रयास किया। यूएनए की बात करें तो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1948 में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, ठीक है। भारत में प्रथमतः सूचना के अधिकार और स्वतंत्रता के संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अधिकार के विषय में निर्णय लिया गया था, ठीक। इससे एक केस और संबंधित है, जो है हमदर्द बनाम भारत संघ के मामले में प्रथमतः सूचना के अधिकार को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया था। और एक अन्य केस है जो हिम्मतलाल बनाम पुलिस आयोग हैदराबाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को लोकतांत्रिक शासन संचालन में महत्वपूर्ण माना, ठीक है। यहाँ इसकी बात कर लें तो 2005 में आने से पहले सूचना केंद्र सरकार में कई राज्यों ने पहले भी लागू कर दिया था, जिनमें तमिलनाडु 1957 में, गोवा 1997, मध्य प्रदेश 2000 में, सॉरी, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 की बात करें तो इसमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 के को स्थापित करके आया था। यह पास हुआ था पार्लियामेंट में जून 2005 में और लागू हुआ अक्टूबर 2005 में। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यह पूरे भारत में लागू होता है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आर्टिकल 19A सभी भारतीय नागरिकों के लिए इसमें सूचना से संबंधित है संविधान में। आपको बता दें, सामान्य जानकारी की बात करें तो 30 दिन के अंदर दी जाती है। अगर किसी के जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी सूचना मांगते हैं तो 48 घंटे में ये सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अब इनके बात कर लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात, तो सेंट्रल की बात करें हम लोग, सेंट्रल में और स्टेट में, ठीक है। तो सेंट्रल में जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, इसमें बात करें तो पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फिर और अन इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें 10 मेंबर होते हैं ये अलग, और फिर सेकंड नंबर पर सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और रजिस्टर, ठीक है। स्टेट की बात करें तो इसमें स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसके बेसिक ऑब्जेक्टों की बात करें हम लोग यहाँ, तो बेसिक ऑब्जेक्ट में है गुड गवर्नेंस, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट, और अन्य जैसे करप्शन फ्री में भ्रष्टाचार मुक्त, जैसे अकाउंटेबल, उत्तरदायी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, रिस्पॉन्सिव,
उत्तरदायी, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, न्याय संगत एवं समावेशी, इफेक्टिव, असरदार एवं किफायती, फॉलो द रूल ऑफ द लॉ, नियम का पालन करें, पार्टिसिपेटरी, भागीदारी, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, आम सहमति, ठीक है, इसके मुख्य ऑब्जेक्ट हैं, मतलब उद्देश्य हैं, ठीक। अब इसमें संशोधन की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ एक बात संशोधन की बात करें तो आरटीआई एक्ट 2005 में सेक्शन 13 और सेक्शन 16 में अमेंडमेंट किया गया है। टोटल की बात करें तो इसमें 31 सेक्शन है, धाराएं हैं, ठीक है। 13 धारा की बात करें जो जिसमें संशोधन किया गया, तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन और कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ठीक है। पहले ये हुआ करता था, पहले 5 साल 65 आयु इनकी होती है, या 5 साल या 65, जो भी पहले हो, ठीक। और 16 की बात करें तो इसमें राज्य सरकारों से संबंधित है, 16 धारा 16 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के सूचना आयुक्त वेतन एवं कार्यकाल इनके केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, इनका भी 5 साल पहले 5 साल या 65 वर्ष रहती थी भाई। आपको बता दें अभी जो आईटीआई के चेयरमैन हैं सुधीर भार्गव हैं, और फर्स्ट थे जो वजाहत हबीबुल्ला थे, ठीक है, अभी जो करंट में हैं 2019 में सुधीर भार्गव। तो दोस्तों 13 और 16 में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है।